अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सबला खान की तरफ से हम पाकिस्तान अफेयर्स का एमपीटी 2023 के टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेबरी 29। तो वो क्या है? बी, यानी कि 1956 में जो है पहला जो है ड्राफ्ट जो है पास हुआ था फरवरी 29 को 1956 में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये है जी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मार्च 2 - तो इसका जवाब होगा 1956 में, यानी कि ए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन्फोर्स ऑन मार्च 23, 1956 में जो है पहला इन्फोर्स हुआ पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4, ये है देयर वॉज डैश आर्टिकल्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कितने आर्टिकल्स थे जी? 234 आर्टिकल्स थे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये है देयर वर डैश पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने थे पार्ट्स? बी, यानी कि 313 ऑप्शंस थे, 13 कॉन्स्टिट्यूशंस थे इसके पार्ट्स थे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, ये है देयर वर डैश स्कॉलर्स स्केजुअल्स, देयर वर डैश स्केजुअल्स, तो इसमें कितने स्केजुअल थे? इसके 6 स्केजुअल थे, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द नंबर ऑफ कंट्री वॉज एडॉप्ट अ डैश रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये क्या होगा? ए, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नेम है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उर्दू एंड डैश वर डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज, यानी कि ए, यानी कि बंगाली, उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी है। आगे डैश क्वेश्चन नंबर 9 का है, फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, तो ये जी है बी, यानी कि पार्लियामेंट्री, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये है डैश लिस्टेड ऑफ सब्जेक्ट्स वर इन इनोमरेटेड फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि थ्री थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स से। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये है जी द प्रेसिडेंट वॉज द डैश, तो इसका जवाब होगा हेड ऑफ द स्टेट, तो ये इसका जवाब है ए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, ये है प्रेसिडेंट वॉज टू बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाएगा, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन में था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है द प्रेसिडेंट में द प्राइम मिनिस्टर वॉज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट, यानी कि लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा हाउस का और हेड ऑफ द कैबिनेट का। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ये है द नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द टू विंग्स ऑफ द कंट्री, यानी वो कितने होंगे? 300 मेंबर्स होंगे जो इक्वली डिवाइड होंगे बिटवीन टू विंग्स के कंट्री के दरमियान। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, ये है इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 डैश इलेक्शन डैश इलेक्ट मेथड वॉज अडोप्टेड, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन मेथड वॉज अडोप्टेड 1956 में। आगे है जी क्वेश्चन 16, ये है ए सिकंदर मिर्ज़ा इम्पोज मटीरियल लॉ ऑन अक्टूबर 7 - एंड एप्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 1958 में ये एब्रोगेट किया गया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ये है जनरल मोहम्मद अयूब खान वॉज अपॉइंटेड एज डैश, यानी कि इसका ऑप्शन है सी, यानी कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, ये ऑन अक्टूबर 27 - जनरल अयूब खान टुक टेक ओवर प्रेजिडेंट, ये है जी कब किया? 1958 में उन्होंने किया अयूब खान ने। आगे इन द डैश केस मटीरियल लॉ वॉज जस्टिफाइड, ये है ए, यानी कि स्टेट वर्सेस डोज। आगे हमारे पास है वेस्ट पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश एज वन यूनिट ऑफ अक्टूबर 14, ये है 1955 में जी ये किया गया था इस्टेब्लिश। अगला हमारा जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैज़ ड्रॉ
इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द टेस्ट एंड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, तो वो क्या है, वेस्ट मिनिस्टर, यानी कि ए हमने उनका जो है अडॉप्ट किया था पाकिस्तान में। तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 56 का समझ आया होगा, तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।